मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि भाई कानून से हमारा विश्वास उठ रहा है। कानून तो है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान दिया है और संविधान के मुताबिक हम लोग काम करना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार ने पुलिस ने जो वर्दी पहनी है तो पुलिस ने वर्दी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी ऊपर से दबाव लाएगा तो भी उन्होंने इसका नहीं मानना चाहिए। अगर हम भी बहुत बार मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं और वो बोलते हैं भाई हमको ऐसे अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस बोलते हैं नहीं नहीं उन्होंने चाकू मारा है इसीलिए हमको अरेस्ट किया है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते, हम उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं डालते हैं। तो सरकार ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए या किसी ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए। जिस तरह अभी मैंने मांग किया था कि जो ड्रग लेने वाली जो फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस है तो खाली फिल्म एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं, फिल्म अभिनेता के नाम नहीं आ रहे। बाकी अभी करण जौहर का नाम आया है लेकिन उनके ऊपर हम ऐसा अन्याय होगा ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन करण जौहर के पार्टी में अगर ड्रग का यूज़ हुआ होगा, अगर वो एनसीबी के पास जानकारी होगी तो एनसीबी किसको छोड़ने वाली तो नहीं है, चाहे वो कोई भी पकड़ा आदमी हो। तो अभी भी एक निर्माता को शायद पूरी एनसीबी ने पकड़ा है और मैंने मांग किया है कि जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग लाएगा, जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग मतलब बेचेगा, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस पर फिल्म में काम नहीं देना चाहिए। हम सभी निर्माताओं को मांग करते हैं, डायरेक्टर को मांग करते हैं कि ऐसा ड्रग लेने वालों को फिल्म में काम नहीं मिलना चाहिए, तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी, अगले जो फिल्म एक्ट्रेस एक्ट्रेस सुधर जाएगी कि अगर हमें हम ड्रग लेंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। तो ये मेरी मांग है कि और सरकार ने भी मतलब अभी ये तो काम किसको देना है वो तो उनका अधिकार है, लेकिन अगर ऐसा काम उनको देंगे तो उसका फिल्म का शूटिंग जो है बंद करने का काम मेरे पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। ऐसे लोगों को काम नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है। मतलब महाराष्ट्र में जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण से ऐसा लग रहा है कि भाई कानून से हमारा विश्वास उठ रहा है। कानून तो है, बाबा साहब अंबेडकर जी ने संविधान दिया है और संविधान के मुताबिक हम लोग काम करना चाहते हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार ने पुलिस ने जो वर्दी पहनी है तो पुलिस ने वर्दी का अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी ऊपर से दबाव लाएगा तो भी उन्होंने इसका नहीं मानना चाहिए। अगर हम भी बहुत बार मेरे पास कार्यकर्ता आते हैं और वो बोलते हैं भाई हमको ऐसे अरेस्ट किया है, लेकिन पुलिस बोलते हैं नहीं नहीं उन्होंने चाकू मारा है इसीलिए हमको अरेस्ट किया है, तो हम ज़्यादा नहीं बोलते, हम उनके ऊपर ऐसा दबाव नहीं डालते हैं। तो सरकार ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए या किसी ने भी दबाव नहीं डालना चाहिए। जिस तरह अभी मैंने मांग किया था कि जो ड्रग लेने वाली जो फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस है तो खाली फिल्म एक्ट्रेस के नाम आ रहे हैं, फिल्म अभिनेता के नाम नहीं आ रहे। बाकी अभी करण जौहर का नाम आया है लेकिन उनके ऊपर हम ऐसा अन्याय होगा ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन करण जौहर के पार्टी में अगर ड्रग का यूज़ हुआ होगा, अगर वो एनसीबी के पास जानकारी होगी तो एनसीबी किसको छोड़ने वाली तो नहीं है, चाहे वो कोई भी पकड़ा आदमी हो। तो अभी भी एक निर्माता को शायद पूरी एनसीबी ने पकड़ा है और मैंने मांग किया है कि जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग लाएगा, जो ड्रग पिएगा, जो ड्रग मतलब बेचेगा, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेस पर फिल्म में काम नहीं देना चाहिए। हम सभी निर्माताओं को मांग करते हैं, डायरेक्टर को मांग करते हैं कि ऐसा ड्रग लेने वालों को फिल्म में काम नहीं मिलना चाहिए, तो अगली पीढ़ी सुधर जाएगी, अगले जो फिल्म एक्ट्रेस एक्ट्रेस सुधर जाएगी कि अगर हमें हम ड्रग लेंगे तो हमको काम नहीं मिलेगा। तो ये मेरी मांग है कि और सरकार ने भी मतलब अभी ये तो काम किसको देना है वो तो उनका अधिकार है, लेकिन अगर ऐसा काम उनको देंगे तो उसका फिल्म का शूटिंग जो है बंद करने का काम मेरे पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। ऐसे लोगों को काम नहीं देना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है।